हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं टेक्निकल सुमित लेकर आया हूँ आज एक अनबॉक्सिंग। तो आज हम एक यूएसबी कीबोर्ड को अनबॉक्स करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसको हमने बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं, ये आपका एक कीबोर्ड है, एचपी का कीबोर्ड है, 150 वायर्ड माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों हैं, देख सकते हैं आप। आइए इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय अक्रॉस टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड। तो इसमें देखिए प्राइस यहाँ पे 1399 है, यानी कि 1400 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो है MRP जो है, या इसमें आपकी 1400 छपी हुई, लेकिन ये मुझे 739 रुपये में मिला है अमेजोन से। और देखते हैं, मेड इन चाइना है ये, देखिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं आपके, ये देखिए नॉर्मल कीबोर्ड या जो माउस होते हैं कंप्यूटर के, तो उनमें देखिए इस तरह का कुछ बना रहता है। तो ये लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और अगर इसकी पिन इधर उधर हो गई तो ये ख़राब हो जाता है। इस तरह कीबोर्ड में भी रहता है, और इस तरह ये देखिए माउस में भी रहता है। तो इसलिए हमने USB माउस और कीबोर्ड मंगाया है, जो कि बहुत इजली आपकी लैपटॉप में और CPU में अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे खोल लिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये HP का माउस है, जो कि एक बेहतरीन क्वालिटी वाला है। देख सकते हैं इसमें USB पोर्ट भी दिया हुआ है, ये देखिए। इसे आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आइए कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड देख सकते हैं, इसमें भी आपका ये देखिए USB दिया हुआ है, USB पोर्ट दिया हुआ है। ये देखिए पुराने वाले माउस में देखिए कैसे दिया हुआ है, इस प्रकार से। तो ये आपका सिर्फ कंप्यूटर में ही काम करेगा, लेकिन ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में काम करेगा। चलिए इसको थोड़ा यूज करके देखते हैं। बाकी देखिए इसका लुक भी कितना बेहतरीन है, थोड़ा कर्व है साइड कॉर्नर पे। तो आइए इसको लगा कर देखते हैं लैपटॉप में। तो आइए दोस्तों इसे कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए लाइट जल गई है इसमें, कीबोर्ड हमारा चालू हो गया है। आइए माउस को भी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए आसानी से आप CPU में, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये CPU है, आप इसे CPU पे भी कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए
आसानी से कनेक्ट हो गया। अब पहले वाला जो था वो आपको पीछे की साइड लगाना पड़ता था, और जो पुराना वाला था मेरा वो इसमें लगा हुआ था, तो ये ख़राब भी हो जाता है जल्दी, तो ये लगाने में भी दिक्कत होती है पीछे साइड में। तो इसलिए ये USB माउस का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए इसे हम लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारा माउस कनेक्ट हो गया है, ये कीबोर्ड भी हमारा काम कर रहा है, ये कर्सर भी काम कर रहा है। तो इसका हमारा कीपैड ख़राब हो गया था लैपटॉप का, तो हमने इसे अलग से इसमें लगा लिया है। तो इस तरह यदि आपका कीबोर्ड ख़राब है तो आप अलग से जितना आप बनवाने का देंगे उतने में आपका कीबोर्ड आ जाएगा आराम से। कीबोर्ड आप लेकर के इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार से ये कंप्यूटर में भी कनेक्ट हो जाएगा आपका, और ये कीबोर्ड ये लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए माउस भी हमारा कनेक्ट हो गया, अच्छे से चल रहा है। और यदि आप इस तरह का माउस लेंगे यदि आप वायरलेस लेते हैं तो इसमें इस तरह से वायरलेस भी ले सकते हैं, इसमें वायर नहीं रहेगा, यहाँ अंदर दो सेल लगते हैं, ये देखिए पतले पतले दो सेल लगते हैं इसमें। और इसमें एक ये देखिए इसका ब्लूटूथ भी रहता है कनेक्ट करने के लिए, इसको लैपटॉप में आप लगा करके ऐसे और ये माउस को चला सकते हैं। ये देखिए, और इसमें यही प्रॉब्लम रहती है, इसका सेल ख़त्म हो जाता है, बार बार बदलना पड़ता है। वायर वाले में क्या है, आप कहीं भी कनेक्ट कर दिए उसमें सेल नहीं पड़ता, बस दोनों में यही डिफरेंस है। इस तरह आप वायरलेस भी ले सकते हैं और वायर वाला भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसका प्राइस भी ऐसे 700 से 800 के आसपास था जब मैंने इसे लिया था। ये HP का लैपटॉप भी HP का है, हमने कीबोर्ड और माउस भी HP के लिया है। दोस्तों अब हमारा काम जो है इस पर आसानी से हो सकता है। अब हमारा कीबोर्ड ख़राब था लैपटॉप का, तो हमने कीबोर्ड दूसरा मंगा लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।